हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थ्री इसकी एक्सरसाइज अपन ए कर रहे थे, जिसके दो सेंटेंस तो हमारे हो गए थे। पेज नंबर 22 पे जो तीन सेंटेंस है ये हमारे रह गए थे। एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको। कैपिटल लेटर लिखने थे, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, सोनू वेंट टू अ पिकनिक विथ हिज मदर। सेकेंड था देव स्टडी इन माई क्लास। सोनू एंड देव दोनों का फर्स्ट लेटर कैसा आएगा? कैपिटल आएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड द इंडिया गेट इज इन दिल्ली। द इंडिया गेट इज इन दिल्ली, द से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो टी कैसा लिखेंगे अपन? कैपिटल लिखेंगे। इंडिया, इंडिया कंट्री नेम है, आई कैपिटल, इंडिया गेट, गेट का जी भी कैपिटल क्योंकि एक प्लेस का नाम है। इज इन दिल्ली, डी ई एल एच आई दिल्ली, ये कैपिटल है तो इसका भी डी कैपिटल आएगा। फोर्थ, कश्मीर इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन द अर्थ। कश्मीर, कश्मीर एक प्लेस का नाम है तो के कैपिटल आएगा। बाकी पूरा सेंटेंस सेम वैसा का वैसा आएगा, कश्मीर इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। फिफ्थ, ज्योति इज कमिंग टू आर हाउस टुमारो। ज्योति, ज्योति एक लड़की का नाम है, जे कैपिटल आएगा और बाकी पूरा सेंटेंस सेम आएगा। ज्योति इज कमिंग टू आर हाउस टुमारो, फुल स्टॉप। क्वेश्चन बी, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हमें, इसमें हमको प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स जो किसी का बिल्कुल नाम है, और कॉमन नाउन मतलब जो ग्रुप में रहता है, ग्रुप में रहता है उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे अमित इज मोनूज फ्रेंड, अमित क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। मोनू भी प्रॉपर नाउन है, पर फ्रेंड, फ्रेंड कितने भी हो सकते हैं, इसको हम सर्कल करेंगे। सेकेंड, सुमन वेंट टू स्कूल। सुमन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, वो किसी एक लड़की का नाम है, जबकि स्कूल, स्कूल कितने भी हो सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। थर्ड, आई थिंक मोहन हैज कम। आई थिंक मोहन हैज कम, मोहन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, एक लड़के का नाम है। फोर्थ, यस माय इंग्लिश नोटबुक इज लॉस्ट। अब इंग्लिश यहां पर प्रॉपर एक चीज के लिए बोला गया है, तो इंग्लिश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। नोटबुक, नोटबुक कितनी भी हो सकती है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। इंग्लिश, यस माय इंग्लिश नोटबुक इज लॉस्ट। फिफ्थ, वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। वी विजिटेड ताजमहल, ताजमहल एक प्रॉपर प्लेस का नाम है ना, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सिक्स्थ, सुमन एंड रघु आर कजिन्स। सुमन एंड रघु, सुमन एंड रघु, सुमन एक गर्ल का नाम है, रघु एक बॉय का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कजिन जो है वो कॉमन नाउन में आएगा, इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, राइट, राइट फाइव सेंटेंस अबाउट अ पिकनिक। राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट अ पिकनिक स्पॉट ऑन द हिल। क्लूज आर गिवन बिलो, आपको कुछ क्लूज दिए गए। क्लूज मतलब आप उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के बीच में वो लाइनें ले सकते हैं। इसका ये हुआ क्लू, राइट फाइव सेंटेंस, आपको ये क्लू को लेकर और फाइव सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट दिया उन्होंने आई वुड लाइक टू गो टू पिकनिक एट मनाली। आई वुड लाइक टू गो टू पिकनिक एट मनाली। सेकेंड क्लू क्या दिया है? इट इज, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, फुल स्टॉप भी लगाना है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। थर्ड क्लू है द ग्रीनरी, द ग्रीनरी अट्रैक्ट्स मी, द ग्रीनरी अट्रैक्ट्स मी। फोर्थ, फोर्थ क्लू है द स्नैक लाइक रोड, द स्नैक लाइक रोड्स आर देयर, द स्नैक्स, द स्नैक लाइक रोड्स आर देयर, फुल स्टॉप। फिफ्थ है अपना आई वुड एंजॉय, आई वुड एंजॉय देयर वेरी मच, आई वुड एंजॉय वेरी मच। एक बार मैं फोर्थ वाला फिर से रिपीट कर रही हूँ, द स्नैक्स
like roads are there on the hills. The snake like roads are there in the hills. फिफ्थ है आई वुड एंजॉय से स्टार्ट करना, आई वुड एंजॉय दे आर वेरी मच. अब आप इधर आ जाइए पेज नंबर 23 पे, यहाँ पे आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. ये पिक्चर्स दिख रहे हैं, इनकी स्पेलिंग्स, इन्हें क्या बोलते हैं, पहले तो अपन ये देखेंगे. दिस इज सीसॉ, मैरी गो राउंड, स्लाइड एंड स्विंग. इन्हीं की स्पेलिंग से अपने को ये क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है. और यहाँ पर आपको हेल्प के लिए 1, 2, 3, 4 भी दिया हुआ है, और क्रॉसवर्ड पे भी दिया हुआ है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब फर्स्ट क्या है, सीसॉ, एस दिया हुआ है, हमको सीसॉ की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है. सीसॉ. सेकेंड दिया है, सेकेंड यहाँ पर लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, मैरी गो राउंड, एम ई आर आर वाई जी ओ आर ओ यू एन डी, मैरी गो राउंड. थर्ड कहाँ पर है, इसको कंप्लीट करना है, इसको बोलते हैं स्लाइड, एस एल आई डी ई, स्लाइड. फोर्थ स्विंग्स, एस डब्ल्यू आई एन जी, स्विंग. सीसॉ, मैरी गो राउंड, स्लाइड, स्विंग. इस तरह से ये क्रॉसवर्ड आपको भी कंप्लीट करना है. क्वेश्चन भी करेंगे अब अपन. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन क्लू. इन क्लाउड, फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स गिवन इन क्लाउड. क्या क्या वर्ड्स दिए पहले अपन वो पढ़ेंगे. स्विंग्स, क्रम्स, स्टक अप, एम्प्टी, कैरिड. स्विंग्स, क्रम्स, स्टक अप, एम्प्टी, कैरिड. अब ये जो स्पेलिंग दी है ये हमको देख देख कर लिखना है, प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है. द स्टूडेंट्स कैरिड, देख कर ही लिखना है, कैरिड देयर बैग्स टू द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग द मैच. सेकेंड, मोनू फाउंड नो एम्प्टी स्विंग्स. स्विंग्स की स्पेलिंग देखिए क्या लिखी है, एस डब्ल्यू आई एन जी एस, स्विंग्स. इन द पार्क देयर वॉज नो वॉटर इन द बकेट, इट वॉज एम्प्टी, ई एम पी टी वाई, एम्प्टी. फोर्थ, द क्रोस केम ऑन द वॉल टू पिक अप द क्रम्स. क्रम्स की स्पेलिंग सी आर यू एम बी एस, क्रम्स. आर कार गॉट स्टक अप, एस टी यू सी के, स्टक अप. ऑन द रोड व्हेन वी वर गोइंग टू द मैरिज. फिर से एक बार पढ़ के दिखा रही हूं मैं. द स्टूडेंट्स कैरीड देयर बैग टू द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द मैच. सेकेंड, मोनो फाउंड नो एम्प्टी स्विंग्स इन द पार्क. थर्ड, देयर वॉज नो वॉटर इन द बकेट, इट वॉज एम्प्टी. द क्रो कैम ऑन द वॉल टू पिक अप द क्रम्स. फिफ्थ, आर कार गॉट स्टक अप ऑन द रोड व्हेन वी वर गोइंग टू द मैरिज. ये जो आज का वर्क अपन ने किया है ये बुक में किया है, आप बुक में कंप्लीट करेंगे. अब आपके आपके पास अभी टाइम टेबल आएगा, आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका आज अपन थोड़ा सा रिविजन पोर्शन